Hello, Daud Vasio. This is Param Khandelwal and Harsh Patni from R Daud. Sunday Funday no third episode આપણે જલ્દ જ વાત કરી હતી ને આપણે થર્ડ એપિસોડ લાવી રહ્યા છે. તેમાં એક નવીન વાત એ છે કે દાઉદની કોઈ મહિલાઓ છે, એમનું ગ્રુપ છે અને એ લોકો એક બહુ સરસ મજાની વસ્તુ કરે છે, જેમનું પ્રગતિ મહિલા મંડળ કરીને ગ્રુપ છે. એ લોકો બહુ સરસ મજાની વસ્તુ કરે છે તો આપણે એમના થ્રુ જાણીએ થર્ડ એપિસોડમાં કે કઈ કઈ વસ્તુઓ એ લોકો શું શું કરે છે. તો હવે જે આ પ્રગતિ મહિલા મંડળનું જે ગ્રુપ છે એ લોકો જોડે હવે પરમ ખંડેલવાલ વાત કરશે. એમને આ એક જે નવી અનોખી જે રીત એમને જે પ્રોસેસ ચાલુ કરી છે તેના વિશે હવે આપણે વાત કરીશું એમના જોડે જ. ઓકે, તો આ દાઉદનું સરસ મજાનું લેડીઝનું ગ્રુપ છે જે પ્રગતિ મહિલા મંડળ ગ્રુપ છે. હવે આ લોકોના થ્રુ આપણે જાણીએ કે આ લોકો શું શું કરે છે. સો જણાવશો તમે કે શું કરો છો તમે? हम लोगों के यहाँ प्रगति महिला मंडल की तरफ से तांबे के लोटे का प्रोसीजर चालू करा, जो पर्यावरण बचाने में हम लोगों को बहुत ही मतलब पर्यावरण बचाने के लिए दावत के अंदर बहुत ही सपोर्ट कर देगा और हमारा सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं लोटा हमारे एक रिक्वायरमेंट रहता है कि वो लोग हम लोगों को एक लोटा बढ़ा कर देते, बाकी फ्री ऑफ चार्ज हम लोगों के ये सर्विस है. तो ये आप कौन कौन से फंक्शन में यूज देते हैं? जन्म मरण परण सामाजिक कुछ भी कार्यक्रम होता है, सोशल का कार्यक्रम होता है, पॉलिटिक्स का काम होता है, दावत के अंदर कहीं पर भी जाते हैं ये. और अभी तक ये तांबे के लोटे 57 जगह पे जा चुके हैं. ओके, तो आपने कितने लोटों से शुरुआत करी थी ये? हमने 11 लोटे से शुरुआत करी. अभी आप लोगों के पास कितने हैं? 37. और आप बता सकते हैं कि तांबे का लोटे का यूज क्या क्या होता है और प्लास्टिक का? ओके ठीक है, आप बताइए. प्रगति महिला मंडल की ओर से सभी दाहोदवासियों का स्वागत है. हमने एक नया अभियान शुरू किया है तांबे के बारे में. आज से नहीं, प्राचीन काल से ही तांबे की उपयोगिता सभी जानते हैं. आज हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं. यूएसए में आज भी पानी के जो पाइप पानी वाटर सप्लाई होता है उसकी जो घरों की नल होती है उसकी पाइपलाइन तांबे की होती है, तो पानी नेचुरल रूप से शुद्ध होके आता है. तांबे में बहुत से औषधीय गुण है. तांबे का पानी हम रात को भर के सो के सुबह पीते हैं तो बहुत सी बीमारियां परमानेंट शुद्ध हो जाती है. और तांबे की जो तांबे में पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, बहुत सी अशुद्धियां दूर हो जाती है और हमारा पेट वगैरह साफ रहता है, इसलिए तांबा औषधीय गुणों से भरपूर है. इसीलिए हमने ये अभियान चलाया है कि इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहे और मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ रहे. और कुछ आपने में से आप लोगों में से कुछ कहना चाहता है, मतलब आपको कुछ पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दाहोद वासियों के लिए. जब दाहोद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो हमने इसके लिए स्वच्छता का भी ध्यान रखा है कि इससे प्लास्टिक का कचरा दूर होगा और लोग इसे उपयोग करेंगे. ओके, हमने बहुत सारे प्लास्टिक की चीजों का नाश किया है और इसे बढ़ावा दिया है और मैं सोचती हूँ कि दाहोद वासी इसके लिए और भी प्रोत्साहन होंगे और इसे यूज करेंगे. और इसके अलावा आप लोग और कुछ करते हैं जैसे वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए आप कुछ अलग से कुछ करते हैं क्या? नारी को आगे बढ़ाने में प्रगति महिला मंडल हमेशा से अग्रणी रहा है. दो कदम प्रगति की ओर, ये हमारा सूत्र है. नारी आगे बढ़ेगी तभी विश्व आगे बढ़ेगा. हमारे इसी सूत्र के आधार पर प्रगति महिला मंडल आगे की ओर अग्रसर. कोई भी सोशल प्रोग्राम होता है जैसे गणगौर होता है या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उस पे हमारी प्रगति महिला मंडल की तरफ से हम लोग ये लोटे भी देते हैं और उसके कारण बहुत सारी जगह स्वच्छता भी रहती है. कहीं भी पानी पी के डिस्पोजल कहीं भी फेंक देते हैं सभी, उसके कारण बहुत गंदगी भी होती है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि कहीं भी गंदगी नहीं दिखती, स्वच्छ रहता है. प्रगति महिला मंडल अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देता है. यहाँ पे जैसे शिव महापुराण हुआ, नानी बाई का मायरा नामक शाम सेवा मंडल ने कथा करी उसमें भी अपना दान का सहयोग दिया. और ऐसे भी अदर जैसे आरती का प्रोग्राम था तो उन्होंने जैसे 1000 सदस्य इकट्ठे हुए तो 1000 दिया बाती की व्यवस्था करके सबके हाथों से सामूहिक आरती का आयोजन किया. इस तरह से हर धार्मिक हो सांस्कृतिक हो कोई भी प्रोग्राम हो प्रगति महिला मंडल हमेशा अग्रसर रहता है. तो दाहोद वासियों, ये प्रगति महिला मंडल की कुछ एक नई सोच थी, तो इनके साथ तुम लोग जुड़िए और पर्यावरण से पर्यावरण को बचाइए जितना हो सके उतना इनका साथ दीजिए. और इनके तांबे का लोटा जो है, इनका जो क्रिएटिविटी इनके दिमाग में आई और जो ये लोग कर रहे हैं उनका साथ सहकार निभाइए और इनके साथ जुड़िए. ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया.